हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज HTML के कुछ मेन टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम आते हैं HTML टैग के बारे में। HTML टैग को रूट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये रूट है HTML डॉक्यूमेंट का। ये जो HTML टैग है वो रूट होता है HTML डॉक्यूमेंट का। ये कंटेनर टैग होता है, याद रखिए, ये कंटेनर टैग होता है। यानी ये जो है स्टार्ट भी होगा और क्लोज भी होगा। और मैंने आपको स्ट्रक्चर तो बताया ही था, ये एक कंटेनर टैग होता है, ये स्टार्ट भी होता है और क्लोज भी होता है। और जितना भी HTML जो कोडिंग होती है, जो हमारे डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए या डॉक्यूमेंट को अच्छे तरह से पेश करने के लिए जो भी कोडिंग होती है, हम ये HTML टैग के अंदर ही लिखते हैं। यानी HTML स्टार्ट होगा, ठीक है, फिर हम पूरी कोडिंग करेंगे, फिर HTML क्लोज करते हैं, ठीक है। और ये रूट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट है। ये शो करता है कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो एक HTML डॉक्यूमेंट ही है, ठीक है। अब हम चलते हैं हेड टैग पे। हेड टैग जो होता है वो हमारे HTML डॉक्यूमेंट का हेडर इन्फॉर्मेशन देता है हमारे HTML डॉक्यूमेंट का हेडर इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे टाइटल हो गया हमारा, हेड टैग के अंदर ये टाइटल टैग भी आता है। टाइटल ये हमारा जो है डॉक्यूमेंट का पूरा का पूरा हेडर इन्फॉर्मेशन देता है, इसलिए इसमें टाइटल टैग आता है। मैंने आपको स्ट्रक्चर तो बताया ही था। देखिए, जब हम इस हेड स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद टाइटल भी स्टार्ट करते हैं। और टाइटल जो होता है, हेड भी कंटेनर एलिमेंट ही होता है और टाइटल भी कंटेनर एलिमेंट होता है। देखिए, अब हमने इसके अंदर जो होता है टाइटल टैग होता है। अब हम टाइटल टैग में मान लीजिए हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल है ABC, यहाँ हमने टाइटल नाम दिया, फिर हम यहाँ पर टाइटल क्लोज करते हैं। अब टाइटल क्लोज करने के बाद हम हेड भी क्लोज करते हैं। मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर में, यहाँ हम हेड भी क्लोज करते हैं। यानी कुल मिला के हेड भी एक कंटेनर एलिमेंट होता है और ये जो है पूरा का पूरा HTML डॉक्यूमेंट का हेडर इन्फॉर्मेशन देता है हमें, ठीक है। अब हम आते हैं बॉडी टैग पे। जितना भी हमारे HTML डॉक्यूमेंट में टैग यूज़ होता है, एट्रीब्यूट यूज़ होता है, जितना भी इन्फॉर्मेशन हमारे HTML डॉक्यूमेंट में होता है, सब का सब हम बॉडी टैग में ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जितना भी, जैसे मैं आपको फिर समझाती हूँ, जितना भी हम डॉक्यूमेंट में एक HTML डॉक्यूमेंट पर इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जितने भी टैग यूज़ करते हैं वो सब बॉडी टैग के अंदर ही आता है। अब आते हैं हम कुछ बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स को पढ़ते हैं। ये हैं बॉडी टैग के कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। ये पांच होते हैं, ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं। पहला आता है हमारा बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। अब देखिए, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट की मदद से हम अपने वेब पेज में के बैकग्राउंड पे हम इमेज ऐड करते हैं, ठीक है। मैं आपको इमेज पढ़ाऊंगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी, ठीक है, मैं इसके बारे में पूरा डीप में बताऊंगी आपको। इसका सिंटेक्स हम ऐसे लिखते हैं, बॉडी हमने लिखा, यहाँ ऐसे लिखेंगे हम, बैक ग्राउंड इज इक्वल टू लोकेशन ऑफ इमेज। इसका सिंटेक्स यही होता है, ठीक है। अब देखिए, हमने बॉडी में इतना लिखा, बैकग्राउंड मैं फिर से बताऊंगी, बैकग्राउंड को हम इसलिए यूज करते हैं, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का हम अपने वेब पेज के बैकग्राउंड पे इमेज सेट करने के लिए यूज करते हैं। हम अपने वेब पेज के बैकग्राउंड पे इमेज सेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा बिजी कलर, ठीक है। बिजी कलर को हम अपने बैकग्राउंड कलर यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे इसका सिंटेक्स ही होता है, बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू नेम ऑफ कलर और हेक्सा डेसिमल कोड ऑफ कलर, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको फिर से बताती हूँ।
ये जो बीजी कलर होता है वो हमारे बैकग्राउंड के कलर को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम देखिए, अब यहाँ पे हम बीजी कलर है, यहाँ पे मान लीजिए हमें रेड करना है, तो हम यहाँ पे ऐसे बीजी कलर इज इक्वल टू रेड लिखेंगे, ठीक है। या तो हर एक कलर का ना हेक्सा डेसिमल कोड होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम रेड का हेक्सा डेसिमल कोड जाने तो ये होता है, जब हम रेड का हेक्सा डेसिमल कोड लिखेंगे तो ये होता है रेड का हेक्सा डेसिमल कोड FFFF एंड 40, ठीक है। ये रेड का हेक्सा डेसिमल कोड होता है, यानी जो भी हमारे पास कलर्स होते हैं वो हेक्सा डेसिमल उनके कोड्स भी होते हैं, तो ठीक है। तो जब हम अपना बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं तो हम अपने कलर का नाम भी लिख सकते हैं और हेक्सा डेसिमल कोड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इजी तो यही होता है कि हम अपने मतलब जो बैकग्राउंड का कलर है उसका नाम लिख दें, ठीक है। तो ये इजी होता है क्योंकि हेक्सा डेसिमल कोड मतलब सबको याद तो रहता नहीं है। अब आते हैं हम टेक्स्ट पे। टेक्स्ट एट्रीब्यूट हम जो होता है, मान लीजिए हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने बॉडी में, पूरे डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, तो टेक्स्ट की मदद से हम जितना भी टेक्स्ट लिखेंगे उसका कलर स्पेसिफाई हम करते हैं। जैसे बॉडी टेक्स्ट इज इक्वल टू नेम ऑफ कलर और फिर से हेक्सा डेसिमल कोड, ठीक है। देखिए अब हम टेक्स्ट, मान लीजिए हमने बॉडी में लिखा है, पैराग्राफ टैग में ही लिखा है, दिस इज माई बुक, ठीक है। अब यहाँ हाँ मान लीजिए यहाँ पैराग्राफ क्लोज होता है, अब ये बॉडी के अंदर ही आता है ना पैराग्राफ टैग। मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में भी बहुत अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। मान लीजिए हमने लिखा है दिस इज माई बुक, और हमने बॉडी टेक्स्ट इज इक्वल टू मान लीजिए कि हमने रेड लिखा है, ठीक है, या हेक्सा डेसिमल कोड रेड का लिख दिया, ठीक है। तो जब जो भी हम इसमें सेंटेंसेस लिखेंगे, अपने बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, तो जब हमारा डॉक्यूमेंट ओपन होगा तो उसमें जो है ये जो ये दिस इज माई बुक रेड से लिखा होगा, ठीक है। जब हमारा प्रोग्राम रन करेगा तो ये जो दिस इज माई बुक जो सेंटेंस होगा वो रेड से लिखा होगा, यानी टेक्स्ट को हम टेक्स्ट एट्रीब्यूट को अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा टॉप मार्जिन। अब देखिए टॉप मार्जिन जो भी हमारा, मान लीजिए एक कंप्यूटर, ये हमारा एक विंडो है, ठीक है। अब जो हमारा टेक्स्ट है उसका जो लिखा कहाँ से जाएगा, ठीक है, टॉप मार्जिन, यानी यहाँ से हमारे टेक्स्ट की दूरी होगी कितनी। मान लीजिए हमारा टेक्स्ट है दिस इज माई बुक, ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट है, तो ये जो है ऊपर से टॉप से हमारे टेक्स्ट के बीच में दूरी कितनी होगी ये स्पेसिफाई करने के लिए हम टॉप मार्जिन यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे यूज करते हैं, बॉडी टॉप मार्जिन इज इक्वल टू हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। इसका सिंटेक्स यही होता है, जैसे हम मान लीजिए वैल्यू को हमने 25 ले लिया, ठीक है, हमने यहाँ पे 25 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ अब देखिए, अब आता है हमारा लेफ्ट मार्जिन, यहाँ हमने 25 लिखा है, मतलब ये जो है हमारा टॉप मार्जिन अब 25 सेट हो गया। हम अब देखिए, अब हमारा लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन भी बिल्कुल इसी तरह होता है। हम लेफ्ट मार्जिन को इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे जो है लेफ्ट साइड से हमारे टेक्स्ट की दूरी कितनी होनी चाहिए, मतलब वो कितना स्पेस छोड़ेगा। तो इसी तरह हम यहाँ पे बॉडी लेफ्ट मार्जिन इज इक्वल टू वैल्यू लिख देंगे, ठीक है, ये हमारा इसका सिंटेक्स होता है, ठीक है। तो ये बॉडी के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, लेफ्ट मार्जिन को हमारा लेफ्ट मार्जिन स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं, टॉप मार्जिन को हम टॉप मार्जिन स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, टेक्स्ट को हम टेक्स्ट कलर बताने के लिए यूज़ करते हैं, बीजी कलर को हम बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट को कोई इमेज अपने बैकग्राउंड पर सेट करने के लिए यूज़ करते हैं। बस इतनी समरी थी इसकी। अब हम अगले वीडियो में कुछ नए टैग्स और उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।